गेडा थाना क्षेत्र के नौसर चौकी अंतर्गत एकला गांव में 12वीं कक्षा के छात्र अभिषेक जायसवाल की गला दबाकर हत्या हुई थी। पीएम रिपोर्ट के आधार पर रविवार की देर रात गेडा पुलिस ने उसके पांचों दोस्तों पर हत्या और साजिश की धारा के केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। आपको बता दें कि शनिवार की शाम को अभिषेक की रहस्यमय हालत में मौत हो गई थी। दोस्तों ने करंट से मौत की आशंका जताई थी। वहीं पुलिस द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज न करने के संबंध में परिजनों ने रविवार को गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे 29 को जाम कर दिया था। इसके पश्चात आनन-फानन में अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या सामने आई है। हालांकि ये अभी सामने नहीं आया है कि दोस्तों ने आखिर अभिषेक की हत्या क्यों की थी। गेडा थाने की पुलिस ने गाँव के नीरज, रवि, आकाश, ब्रजेश और मोनू पर हत्या और साजिश की धारा में केस दर्ज कर लिया है। साथ ही इस घटना में सक्रियता दिखाते हुए गेडा थाने की पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस संबंध में एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करना पाया गया। इस संबंध में परिजनों द्वारा लिखवाए गए मुकदमे में सभी नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, ये गांव के अपने कुछ परिचितों के साथ गया था। उसके बाद इसके जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर जो है मृत्यु कारित किया जाना पाया गया। इस संबंध में परिजनों द्वारा जो है मुकदमा लिखवाया गया है। सभी नामित अभियुक्तों को जो है पकड़ के गिरफ्तारी की गई है। उन्हें जेल भेजा जाए। 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। हत्या का कारण जो है बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो है ये अपने मित्रों के साथ था और उन्हीं के साथ में जो है इसकी जो है मृत्यु कारित की गई है। पीएम रिपोर्ट से हत्या किए जाने स्पष्ट है। कार्रवाई की गई।